नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैक्लोडगंज के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास एक छोटा सा शहर है। तिब्बतियों की बड़ी आबादी के कारण इसे लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। तिब्बती सरकार के निर्वासन का मुख्यालय मैक्लोडगंज में स्थित है। मैक्लोडगंज का नाम अंग्रेज शासनकाल में पंजाब के उपराज्यपाल सर डोनाल्ड फ्रेल मैक्लोड के नाम पर रखा गया था। मार्च 1850 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेज द्वारा इस क्षेत्र को हटा दिया गया और कांगड़ा में तैनात सैनिकों के लिए एक सहायक छावनी धौलाधार के ढलान पर स्थापित की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान यह हिल स्टेशन था जहां अंग्रेज गर्मियों के समय आते थे। मार्च 1959 में तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा तिब्बत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद भारत आ गए। भारत सरकार ने उन्हें धर्मशाला में शरण देने की पेशकश की, जहां उन्होंने 1960 में निर्वासन में तिब्बत सरकार की स्थापना की, जबकि मैक्लोडगंज उनका आधिकारिक निवास बन गया। और इसके बाद बौद्ध मठ और हजारों तिब्बती शरणार्थी यहाँ आए। इसके बाद मैक्लोडगंज एक महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हुआ। मैक्लोडगंज की औसत ऊंचाई 2082 मीटर है। यह धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। मैक्लोडगंज के पास प्रमुख शहरों में धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, सिद्धबारी और तत्वानी शामिल हैं। आध्यात्मिक आकर्षणों में चिन्मय, तपोवन, ओशो, निसारगा और चामुंडा शामिल हैं। ट्रायंड मार्ग एक लोकप्रिय ट्रैक है। निकटतम नैरोगेज रेलवे स्टेशन कांगड़ा और नगरोटा है। निकटतम रेलवे स्टेशन ब्रॉडगंज पठानकोट में स्थित है, जो यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। मैक्लोडगंज में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बहुत से लोग तिब्बती बौद्ध धर्म, संस्कृति, शिल्प आदि का अध्ययन करने आते हैं। यह शहर तिब्बती हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। तिब्बती कालीन वस्त्र स्मृति चिन्ह भी बहुत प्रसिद्ध है। शहर में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल दलाई लामा का मंदिर है। सेंट जॉन चर्च, डल लेक, भागसूनाथ, भागसू फॉल, तिब्बत म्यूजियम अन्य रुचि के स्थान हैं।